I just could not make these videos due to some reason, but finally I sit down and make these videos for all of you guys. So hey everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे. So आप लोगों से मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ. And I just could not make these videos due to some reason, but finally I sit down and make these videos for all of you guys because I want to share something जो कि बहुत ज़्यादा इस previous month से और more than 2 months से चल रही है. But मैं इसको एक तरह से hide करके रखी थी कि finally मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें share करूँगी जब प्रॉपर वो सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो जाएंगी जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ. सो ये वीडियो मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एज़ यूजुअल मतलब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ या ना बनाऊँ बिकॉज मैं इस वीडियो से रिलेटेड थिंग्स पे स्टेबल नहीं थी. बट फाइनली मेरे फैमिली मेम्बर एंड जो मेरे बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज है मेरे फ्रेंड वो लोगों ने मुझे सजेशन दिया रिगार्डिंग दैट कि नहीं जो कुछ भी लाइफ में हो रही है एज अ फ्लो बस तुम उससे चलते जाओ आगे. तो फाइनली मैं इस वीडियोस को बना रही हूँ एंड ऑलमोस्ट आज 6 सितंबर है तो हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइज बिकॉज आई वॉन्ट टू पोस्ट दिस वीडियोज इन 7 सितंबर. तो इसीलिए मैं आप लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश कर रही हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं जब भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आई थी एज अ नर्सिंग ट्यूटर, जैसा आप लोगों को पता है मेरे प्रीवियस ब्लॉग से वीडियोज से कि मैं अभी एज अ नर्सिंग ट्यूटर वर्क कर रही हूँ. बट इससे पहले मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर मेदांता हॉस्पिटल में आईसीयू डिपार्टमेंट में वर्क कर चुकी हूँ जो कि मैं कैंपस सेलेक्शन के थ्रू वहाँ सेलेक्टेड हुई थी. बट वहाँ पे समहाउ किसी रीजन्स की वजह से मुझे लिफ्ट करना पड़ा था एंड वहाँ मुझे अपने रजिस्ट्रेशन को पुट ऑन नहीं करना था. दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो फाइनली मैं यहाँ पे एज ए नर्सिंग ट्यूटर पोस्टेड हुई एंड अप्रोक्स यहाँ वर्क करते हुए ऑलमोस्ट 7.5 मंथ हो रहे हैं. तो इससे पहले प्रीवियस में मतलब कि इना जून जून से मैं स्टार्ट करूँ तो जून में मेरे पास बहुत सारी नोटिफिकेशंस वगैरह आ रही थी रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जैसे कि SGPGI वाले फॉर्म वगैरह हो गए, अभी रेलवे स्टाफ नर्स की फॉर्म आ रही है रिसेंट में एंड एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स की नॉर्सेट की फॉर्म आने वाली है एंड मोर देन और ज़्यादा जो भी फॉर्म है जैसे PSC वाले फॉर्म आने वाले हैं. तो बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो मतलब मैं ट्राई आउट कर रही हूँ बीइंग एज ए नर्सिंग ट्यूटर. तो मैं सोच रही थी कि मतलब इस अपॉर्चुनिटी को मतलब इन्हेंस करना है एंड इस प्रोफेशन में रह के मुझे बहुत सारी चीज़ें फुलफिल करती रहनी है कि हाँ मेरे मेहनत से अगर मैं उस चीज़ को अचीव कर पा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है. तो रिसेंट में आप लोग नाम सुने होंगे महावीर कैंसर संस्थान फुलवारी शरीफ पटना के बारे में. तो वहाँ पे मेरी एक बहुत ज़्यादा डियरेस्ट मेरी सीनियर रहती हैं जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, मतलब मेरे से और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ क्योंकि मैं कुछ भी सजेशन होता है वन टाइम उनसे आस्क करती हूँ रिलेटेड माय करियर की दीदी क्या मेरे लिए सही है बिकॉज एज यू ऑल नो कि मेरी सीनियर है तो उन्हें मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स. तो जो मेरी सीनियर हैं वो मतलब वहाँ पे महावीर कैंसर संस्थान में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हैं. तो पता है मतलब अचानक जब उसकी वैकेंसी वगैरह आई कि आप अपने सारे CV को रिलेटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास है विथ रजिस्ट्रेशन उसको स्पीड पोस्ट करना था. तो मैंने ऐसी स्पीड पोस्ट करा दिया मोर देन बिफोर 2 मंथ्स पहले. तो मुझे नहीं पता था आई डोंट नो कि उसका रिएक्शन क्या होगा बट मैंने करा दिया था. तो फिर उसके बाद CV मैंने ऑलमोस्ट जून के लास्ट वीक में CV मैंने स्पीड पोस्ट कराया था थ्रू पटना से. तो उसके बाद अप्रोक्स 1 मंथ हो गया बिकॉज क्योंकि मैं जब उनसे सारी चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह लेती थी रिगार्डिंग दैट कि हाँ दीदी आप लोगों की CV सबमिट करने के बाद कितने दिन बाद आप लोगों के पास मैसेज आया था थ्रू इंटरव्यू और जो भी है व्हाटएवर. तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 15 डेज या 1 मंथ के अप्रोक्स आ जाता है. तो लेकिन मेरा 1 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड हो गया था तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, मे बी रिक्वायरमेंट उनको नहीं चाहिए होगी या फिर मे बी एलिजिबिलिटी और मतलब रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो गई होगी. बट होप सो गाइज 1 अगस्त को जहां इधर आपको एक मैसेज शो हो रहा होगा रिगार्डिंग दैट. तो फाइनली 1 अगस्त को मेरे पास एक नॉर्मल मैसेज आया
रिगार्डिंग मेरी रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि फुलवारी शरीफ से ही आया था। कैंसर, महावीर कैंसर संस्थान फुलवारी शरीफ, वहाँ के एचआर डिपार्टमेंट से मुझे मैसेज आया। उसके बाद क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 2 से 3 बार मुझे फ़ोन आया रिगार्डिंग दैट कि आपकी इंटरव्यू, आपके रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है महावीर कैंसर संस्थान में, तो आप अप्रोक्स 1 अगस्त को 3 बजे पहुँच जाइएगा वहाँ पर। तो मैं होपफुली गई वहाँ पर, बट ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से थोड़ा सा मतलब शेयर करना चाहती थी, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ गाइस, कि मेरे लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं रिगार्डिंग दैट। सो गाइस, जब मैं वहाँ गई तो मुझे बोला गया कि आपको 6th फ्लोर पे, और मतलब 6th फ्लोर ए ब्लॉक में जाना है। तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे नॉर्मली रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही थी, तो मैंने भी रिटन एग्जामिनेशन अपेयर किया एंड नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे रिगार्डिंग 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे एंड अप्रोक्स 20 मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन थे एंड अप्रोक्स 25 मार्क्स और 30 के अप्रोक्स 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो मैंने वो सारी क्वेश्चन की जो कि बहुत नॉर्मल लेवल की क्वेश्चन थी। तो पूरे 4 साल की जर्नी में जो कुछ भी आपने पढ़ा है रिगार्डिंग पीडियाट्रिक्स में और गायनी वगैरह हो गया और नॉर्मल मेड सर्च वगैरह, इसमें जितनी क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल की आती है उन सारे नॉर्मल लेवल की आई। और ऐसे जो भी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट थिंग्स होती है जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, नेडलिस्टिक इंजरी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस में आई थी। फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पे एग्जाम अपेयर किया, देन उसके बाद अप्रोक्स 1 मंथ बाद, 1 मंथ इट मीन्स कि 1 सितंबर, आपको यहाँ पे मैसेज शो हो रहा होगा गाइस, तो 1 सितंबर को मुझे एक और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आया रिगार्डिंग दैट कि यू हैव सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू एज अ नर्सिंग ऑफिसर फॉर पोस्ट इन महावीर कैंसर संस्थान, तो यू हैव टू कम विथ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन 3 सितंबर। सारी मैसेज यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही होगी रिगार्डिंग दैट। तो मैं यहाँ से गई एंड वहाँ जाने के बाद मेरी नॉर्मल इंटरव्यू वगैरह हुई। तो इंटरव्यू में मैं जब वहाँ गई तो मुझे एक चीज़ वहाँ पे रियलाइज हुआ गाइस कि मैं जितने भी बच्चे वहाँ एग्जामिनेशन अपेयर किए थे, लिटरली गाइस ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे जब मेरा नाम आया एंड एक पेज जो था फ्रंट पेज में मेरी थर्ड नंबर पे मेरी नेम थी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैं तो अभी आ रही हूँ एंड मेरी सडन इंटरव्यू, तो वो बोले कि आप मतलब मेरा नाम पहले से 2 बार हम लोगों ने काउंट कर रखा था, क्योंकि मैं 5 और 10 मिनट्स अप्रोक्स लेट पहुंची थी वहां पे। तो वो लोग बोले, तो मैं बोली मैं तो अभी आई हूँ, इतने सारे बच्चे बैठे हुए तो मुझे डायरेक्ट क्यों अभी जाना है। तो उन्होंने बताया कि मैम आप जितने भी बच्चे एग्जाम अपेयर किए हैं उसमें से टॉप 3 में आपका नंबर आया है, जो कि थर्ड था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी ये कि इतने सारे बच्चे उस एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 3रे नंबर पर मेरी नेम आई हुई है, क्योंकि उससे पहले 2 और स्टूडेंट थे जिसमें एक बॉयज़ था जो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आया था, देन उसके बाद एक गर्ल थी, देन उसके बाद मैं थी। तो इंटरव्यू के लिए गई गाइस, तो फिर मैंने देखा अंदर में दो जो थे डॉक्टर्स वगैरह बैठे थे जो कि हाई लेवल के लग रहे थे एंड एक जो थे वो एचआर डिपार्टमेंट से थे एंड 2 मैट्रॉन बैठी थी वहाँ पे। तो उन्होंने जब वहाँ एंट्री लिया एंड मैंने उनको विश वगैरह सारी चीज़ें की, नॉर्मल जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी चीज़ें की, देन उन्होंने मुझसे नॉर्मल इंटरव्यू में मेरी इंट्रोडक्शन पूछा रिगार्डिंग दैट कि आपने अपना बीएससी नर्सिंग कहाँ से किया, कंप्लीट की, सीयर में पास आउट हुई है, वेयर When you get your registration, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने मुझसे नॉर्मली पूछी कि आपके CV में लिखा हुआ है दैट यू हैव वर्क 3.5 मंथ्स इन मेदांता ऑल्सो इन ICU डिपार्टमेंट, तो वट आर द रीज़न दैट यू लेफ्ट द मेदांता। तो जो भी जेन्युइन रीज़न था मैंने उनको बताया विथ ट्रूथ, मैंने उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं बोला कि हाँ मुझे नहीं करना था, जो जेन्युइन रीज़न था थ्रू इंचार्ज के थ्रू जो भी कुछ भी हुआ था उसके रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बताई उनको। तो उसके बाद उसमें से एक डॉक्टर थे, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ICU डिपार्टमेंट में काम किए हैं तो आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे, तो मैंने बताया कि सर मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रोसीजर्स वगैरह सीखी, तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था प्रोसीजर जैसे कि सेंट्रल लाइन लगाना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस समय वहाँ पे पीजीज के साथ हम लोग असिस्ट करते थे सेंट्रल लाइन के लिए, देन उसके बाद जो ब्रोंकियोस्कोपी वगैरह होता था ये सारी प्रोसीजर्स वगैरह हो गई, नॉर्मली ड्रेसिंग्स वगैरह बेड शोर की, तो उससे रिलेटेड उन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन अराइज किया रिगार्डिंग दैट कि अच्छा ठीक है सेंट्रल लाइन का आर्टिकल्स क्या होता है, व्हाट आर द प्रोसीजर टू इंसर्ट सेंट्रल लाइन ऑन अ पेशेंट एंड क्वेश्चन जो भी उन्होंने पूछा। देन उसके बाद
उनने पूछा कि ठीक है आपने ब्रोंकोस्कोपी देखा है, तो ब्रोंकोस्कोपी जो है यूजुअली कौन से पेशेंट को किया जाता है, तो मैंने उसका भी जनरल रीजन था जो बताया। फिर उसके बाद एक जो मैट्रॉन थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यंगेस्ट मैट्रॉन लग रही थी, तो उनने मुझसे पूछा कि रिगार्डिंग किडनी ट्रे को किडनी ट्रे क्यों बोलते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं भी सोचा कि किडनी ट्रे को किडनी ट्रे क्यों बोलते हैं, किडनी ट्रे तो एक तरह से मतलब किडनी शेप का होता है दैट्स वाई उसको किडनी ट्रे बोलते हैं, और दूसरी यही था गाइस कि किडनी शेप का होता है दैट्स वाई उसको किडनी ट्रे बोलते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें बोली तो सारे जितने भी वहां के थे मतलब डॉक्टर्स और इवन दैट मेट्रोन सारे लोग हंसने लगे कि हाँ यही रीजन है कि किडनी ट्रे को किडनी ट्रे क्यों बोलते हैं। फिर उसके बाद सडन उन्हें पूछा कि ठीक है ये कैंसर हॉस्पिटल है एंड आपको कैंसर से रिलेटेड और सारी चीज़ें क्या मालूम है, तो मैंने उनको बताया कि कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड उन्होंने पूछा कि कौन कौन से कैंसर होते हैं। तो फिर उसके बाद पूछा अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंस इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वीमेंस को कौन सा हो रहा है। फाइनली ये सारी चीज़ें होने के बाद एक जो वहाँ के पीजी थे समथिंग सीनियर डॉक्टर थे क्योंकि थोड़े से वो ओल्डर एज में भी लग रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप एज अ नर्सिंग ट्यूटर वर्क कर रहे हो, फिर उसके बाद एज अ नर्सिंग ऑफिसर कन्वर्ट हो रहे हो, इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है। तो जो जेन्युइन रीजन था गाइस मैंने वही बताया। सबसे पहली बात की मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ मानती हूँ आईएनसी से अफिलेटेड है, बट झारखंड में झारखंड के टीचिंग एक्सपीरियंस को अकॉर्डिंग टू बिहार के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैटर किया जाए तो वो लो लेवल पे ही होता है। तो एक ये रीजन था, दूसरा मेरा रीजन था वहां लेफ्ट होने का। दूसरा रीजन है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है समहाउ यहाँ पे नॉन अटेंडिंग बच्चे की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट है एज कंपेयर टू अटेंडिंग बच्चे, तो उसमें थोड़ी सी लैकिंग होती है इन टीचिंग प्रॉब्लम गाइस क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है और स्ट्रेंथ थोड़ी कम है जिसकी वजह से अप्रोक्स थोड़ा सा है मतलब कि जब भी टीच करते हैं तो वो एक लेबल नहीं आती है और कॉन्फिडेंस नहीं आती है उस चीज़ को लेके, तो ये रीज़न था। फिर तीसरा मोस्ट जेन्युइन रीज़न गाइस जो सबको पता है कि आजकल लोगों के लिए मनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ट्रूथ है, इससे कोई लोग डिनाई नहीं करता कि जिसके पास पैसा है उसी को सब लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो तीसरा मोस्ट रीज़न ये था कि सैलरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि एज कम्पेयर टू यहाँ से वहाँ मुझे सैलरी रिक्वायरमेंट अप टू हाईएस्ट मिल रही है तो इस चीज को छोड़ नहीं सकती। एंड सबसे ज्यादा मोस्ट जेन्युइन रीजन है वहां और ज्वाइन करने का कि वो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एंड फर्दर वहां पे जब तक मेरी अटेम्प्ट जारी है इन अ सेंट्रल लेवल जॉब के लिए तब तक मुझे एक अच्छा स्टेबिलिटी वहां मिलेगी एंड वहां पे अर्निंग सोर्स भी थोड़ी ज्यादा है और मे बी 6 मंथ के बाद लेटर ऑन परमानेंट में कन्वर्ट हो जाऊंगी, तो एक स्टेबिलिटी पैटर्न वहां पे है मुझे लेके। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपको तो नॉलेज बहुत सारी चीज़ को लेके है एंड आपके पास 7.5 मंथ अप्रोक्स अभी चल रहा है एज अ टीचिंग में, तो आप यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहती हैं जहाँ पे आपको मतलब नॉर्मली जितने भी वहाँ की स्टाफ नर्स हैं उनका इंस्पेक्शन करना होगा वर्ड टू वर्ड राउंड करके। तो मैं बोली मैं तो यही चाहती थी क्योंकि जेन्युइनली मैं यही चाहती थी कि मुझे 9 to 5 का जॉब मिले रिगार्डिंग दैट, तो होप सो इंटरव्यू में तो उन लोगों ने मुझसे ऐसा बोला। अब देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। एंड उसके बाद मुझे सारी चीज़ें ओके लगी रिगार्डिंग दैट और वहाँ का इंटरव्यू वो बहुत अच्छा गया था क्योंकि फीडबैक वगैरह भी बहुत अच्छे और रिस्पॉन्स भी आगे से बहुत अच्छा मिल रहा था। देन उसके बाद उन लोगों ने बोला कि अप्रोक्स 4 to 5 days के अंदर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आ जाएगा, तो जब भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आई वुड लाइक टू शेयर माई ज्वाइनिंग लेटर विथ यू ऑल गाइज। एंड मैं सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी जब मैं वहाँ ज्वाइन करूंगी रिगार्डिंग दैट अ सडन सरप्राइज आप लोगों को वो दूंगी, बट उससे पहले मुझे मतलब लगा कि नहीं मेरी लाइफ में जो चीज़ें एक्टिविटी हो रही है डे टू डे वो आप लोगों से मैं शेयर करूँ बिकॉज आप लोग भी मेरे एक तरह से यूट्यूब फैमिली है एंड आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग अभी करेंटली अपेयर कर रहे हैं और जिनको मतलब मेरे लाइफ की जर्नी से कुछ ना कुछ मोटिवेशन वगैरह मिल रहा होगा, सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू शेयर माय दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स विथ यू गाइज। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे लोग लेट मी कॉमेंट इन माई कॉमेंट बॉक्स कि क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए वहाँ या नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे कॉमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज क्योंकि मैं थोड़ी सी अभी भी नर्वस हूँ रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस, तो इसी वजह से। एंड अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं एंड गणेश चतुर्थी आज 7 सितंबर हो गई, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी वंस अगेन गाइज। एंड मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ और ब्लॉग्स में एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक कॉमेंट एंड बहुत ज़्यादा शेयर एंड मिलते हैं आपसे टिल देन, बाय, टेक केयर।